बलिया ब्रेकिंग यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। बलिया स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। अब समाचार विस्तार से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह में कोई डॉक्टर मौजूद न होने के कारण सफाईकर्मी ने घायलों का किया इलाज। फार्मासिस्ट और रिटायर्ड सफाईकर्मी ने घायलों का किया इलाज। घंटों तक फर्श पर तड़पते रहे मरीज, मगर नहीं पहुंचे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर। मरीजों का भीगे हुए फर्श पर लेटाकर किया गया उपचार। सड़क हादसे में हुए सभी घायल पहुंचे थे CHCI। डॉक्टर का कहना है कि किसी ने मुझे फोन किया था, इस वजह से मानवता के नाते आयुष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया इलाज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा काम आता है? क्या नाम है आपका? बाबू का जो कैटन जी नीरज कुमार। अच्छा, पिताजी का नाम आपके? ज्ञानचंद। कौन सा काम है? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आप? नाम क्या है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? भरा ओंकार जी। अभी आप कहाँ के रहने वाले? बात बताएं, हम तो रिटायर्ड हैं। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? दवा कर रहे हैं क्या किसी का? हम पट्टी कर रहे हैं। आप रिटायर हो गए हैं, कहाँ पे पट्टी कर रहे हैं आप? कहाँ पे पट्टी कर रहे हैं? ये कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सा? ना ये बताइए, डॉक्टर हैं कि नहीं यहाँ पे अभी फिलहाल में? सुपर है। नहीं, आप डॉक्टर हैं कि नहीं मौके पर अभी? ना आप बताइए, आप पट्टी कर रहे, डॉक्टर हैं कि नहीं यहाँ पे? नाश्ता करने गए। कब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? अभी तक हम चला रहा। ना, लगभग कितने देर हो गए यहाँ पे ये मरीजों को आए हुए? हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर। अच्छा, ये बताइए, देखा आपके मरीजों को कहाँ सुलाया गया है? फर्स्ट पे और इसी तरफ लास्ट। ऑटो में लगभग कितने लोग सवार थे? ऑटो में करीबन 8-10। आप लोग कितने देर से यहाँ पे आए हुए हैं? करीबन 1 घंटे। आप लोग का इलाज कौन कर रहा है? कोई नहीं। ये जो देखे जा रहे हैं ये लोग कौन है जो इलाज कर रहे हैं? कर्मचारी हैं कि डॉक्टर हैं? कर्मचारी। लगभग कितने देर हो गए आप लोग को यहाँ पे आए हुए? जी सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। क्या मामला है? बड़ी भीड़ लगी है यहाँ पर। जो है अभी एक्सीडेंट हुआ है, टेम्पो एक्सीडेंट हुआ है कई रोड पर, जहाँ से सारे मरीज आए हैं, जिसमें 2 महिलाएं धोबा की है, 3 मरीज जो है बड़सरी जागीर के हैं और 2 लोकल है। इसमें 5 लोगों को रेफर कर दिया गया है, हेड इंजरी है, काफी गंभीर चोट है और 2 लोग ठीक हैं। क्या अभी मौके आप ड्यूटी पर हैं क्या? नहीं, ड्यूटी पर तो हम नहीं, ड्यूटी पर दूसरे लोग हैं। मैं आयुष डॉक्टर हूँ, संविदा पर यहाँ पर हूँ। मुझे अभी कॉल गई और मैं तुरंत पहुँच गया। आखिर में आप ट्रीटमेंट उपचार क्यों कर रहे हैं? ट्रीटमेंट उपचार इसलिए कर रहे हैं कि मानवता के नाते पेशेंट आए हैं और हम डॉक्टर हैं तो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग की ड्यूटी पर नियुक्ति की गई? कितने लोगों की ये जानकारी आपको MIC और रजिस्टर दे पाएंगे? तो क्या यहाँ पे मौके पर मौजूद एक भी डॉक्टर जो ड्यूटी पर है? आज इनकी ड्यूटी है, वो लोग अभी यहाँ पे मौजूद कोई नहीं है, MIC भी नहीं है। यहाँ पे उपचार कौन कौन कर रहा था आपके साथ? उपचार करने में मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हूँ, हमारा फार्मासिस्ट जो है ओंकार है, फार्मासिस्ट भूपेंद्र जी है, 3 लोग हम लोग उपचार कर रहे हैं। और देखा गया कि आपके साथ सफाई कर्मी भी या रिटायर्ड कर्मी